हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, जो कि मैं उनको उनकी कार लेके आया हूँ यहाँ पे, और उनको मैं लेके आया स्लोपिंग की प्रैक्टिस कराने के लिए कि हिली एरिए में कार को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कितना क्लच लेना चाहिए, कितना ब्रेक लेना चाहिए, पहले ब्रेक छोड़ना चाहिए या पहले क्लच छोड़ना चाहिए, कार को सेकंड गियर में मूव करना चाहिए या फर्स्ट गियर में मूव करना चाहिए, हैंड ब्रेक और ब्रेक का यूज़ कितना करना है। 90% न्यू बिगनर्स के साथ दिक्कत आती है जब किसी बेसमेंट की पार्किंग से या किसी मॉल की पार्किंग से या किसी फ्लाईओवर पे जाम लग जाता है और ऐसी कंडीशन में गाड़ी उनकी पीछे आने लगती है। तो आज मैं 2-3 टिप्स बताऊंगा, जो कि क्लच के 3 पैटर्न बताऊंगा कि बहुत आसानी से आप बिना एक्सेलेटर के कार को उठा सकते हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा लाइटली आराम से आप उठा सकते हैं। मैम आपकी गाड़ी राइट दब रही है और आपकी साइड लेफ्ट है, क्योंकि आप अपने लेफ्ट वाले आरबीएम को ना देखने की वजह से आपको अंदाजा नहीं मिल पा रहा। आप राइट में बैठी हो तो इसलिए हमेशा आप अपना राइट दबाने लग रही हो, और आप राइट में बैठी हो तो खतरा किधर से, लेफ्ट से। तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान किधर देना है, लेफ्ट में, क्योंकि राइट में तो आप बैठी हो, राइट नहीं भी देखोगी तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि राइट वाले आरबीएम में आपकी ऑटोमेटिक नजर जाएगी। देखो फ्रंट ग्लास से आपको सामने का तो सब दिख जाएगा, लेकिन जो साइडें हैं वो आपको साइड मिरर से ही दिखेंगी। अब देखो यहाँ पे डाउन हील आ रहा है ना, 20 फीट खाई नीचे है, गड्ढे में गाड़ी 20 फीट जाएगी लगभग, 20 फीट। अब यहाँ पे आपको बहुत अलर्ट रहना है, गाड़ी अपनी लेफ्ट बॉर्डर लाइन से सटा के रखो, ठीक है। अब यहाँ पे रोकना है इसको, पूरा क्लच और बहुत प्यार से ब्रेक, झटका नहीं आना चाहिए, फुल क्लच देन ब्रेक। रुक गई। अब देखो गाड़ी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला था कि जब कार रोकते हैं तो स्टीयरिंग का डायरेक्शन, यस मैं भूलता नहीं हूँ, इसलिए दोबारा रिमाइंड करा है, क्योंकि जब आप कभी भी किसी ऐसे ट्रैफिक वाले एरिया में गाड़ी खड़ी करते हो, कभी पार्किंग में खड़ी करते हो, तो ये सब गलतियां अक्सर देखो रोड पे लोगों की गाड़ी खड़ी हो तो पूरा टायर उनकी गाड़ी की बॉडी से बाहर निकला होता है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जहां पे स्टीयरिंग था वहीं लॉक कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये डाउन हिल है, डाउन हिल में गाड़ी लेके जाना है तो आपको क्या करना, सबसे पहले तो आप गाड़ी की ऑलरेडी आपकी फर्स्ट गियर में होनी चाहिए। अब 90% लोग क्या करते हैं, वो ब्रेक लगाने लगते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है ना, हमें ब्रेक क्लच छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, गाड़ी ढलान पे है, तो अब क्या करना है, क्लच पूरा दबा के रखना और धीरे धीरे ब्रेक को रिलीज करना है, उतना ब्रेक छोड़ो जितने में गाड़ी आपकी नीचे चली जाए। चलो धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, बहुत लाइट। ज्यादा छोड़ रही हो ब्रेक, ज्यादा छोड़ रही हो, ज्यादा छोड़ रही हो, भागेगी क्योंकि 10 फीट नीचे खाई है, बहुत लाइटली। हाँ पैर आपका ब्रेक पे ज्यादा खिसक गया, रोको स्टॉप करो गाड़ी, हाँ अब आया है सही डायरेक्शन में। पैर ज्यादा खिसकेगा तो तलवे से आपको फील ही नहीं आएगा, जैसे आप चुटकियों से पेन को पकड़ती हो वैसे चुटकियों से क्लच और ब्रेक को पकड़ना है। चलो जाओ, अब ब्रेक छोड़ दो और क्लच भी छोड़ दो, क्लच भी छोड़ दो, राइट रखो हल्का राइट, छोड़ो क्लच छोड़ो, आप चढ़ जाएगी अपने आप चढ़ जाएगी, राइट रखो राइट राइट राइट, वापस लेफ्ट आओ लेफ्ट, स्टीयरिंग गलत पकड़ लिया आपने, गलत डायरेक्शन से पकड़ लिया था, बस यहाँ स्टॉप करो पूरा क्लच देन ब्रेक, रोक लो फिर स्टीयरिंग टेढ़ी है आपकी, ठीक है। स्टीयरिंग को रायता नहीं बनाना है, बहुत लाइट पकड़ना, इतना लाइट पकड़ो जैसे, ये ध्यान रखो कि अभी स्टीयरिंग का डायरेक्शन क्या है आपका, वॉच टाइम का जो होता है, अभी वॉच का टाइम क्या है, डिस्टेंस बताइए, 3 और 9। तो जब आप स्टीयरिंग लेफ्ट घुमाते हो राइट घुमाते हो तो आपको अंदाजा अगर नहीं है, आपने घुमाया कम और सीधा ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, अपोजिट चली जाएगी। अब आपकी गाड़ी देखो यहाँ पे किस कंडीशन में है, गाड़ी आपकी हिली एरिया पे है और आपके पीछे कम से कम 5 से 6 फीट नीचे डाउन है। अब आपको यहाँ क्या करना है, अब आप ब्रेक को, 90% न्यू बिगिनर क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, वो क्या करते हैं, वो पहले जैसे आपने मेरे पास 8 से 10 दिन सीखा, तो जब फर्स्ट टाइम आप कार उठाती थी तो पहले क्या रिलीज करती थी, पहले ब्रेक छोड़ती थी, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ती थी, गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो जाती थी। अब आपने 10 दिन जो 8 दिन प्रैक्टिस करी वो तो ब्रेक छोड़ने की करी, पर एक्चुअल में यहाँ पे किस चीज की जरूरत है आपको, जरूरत नहीं है यहाँ पे, हमें सिर्फ सोचना और समझना ये है कि हमें यहाँ पहले ब्रेक नहीं छोड़ना है, क्योंकि 8-10 दिन से तो आप ब्रेक छोड़ने की पहले प्रैक्टिस कर रही थी, यहाँ पे आपको पहले क्लच रिलीज करना है, और वो भी कितना करना है, 20%, हाफ नहीं, हाफ में बंद हो जाएगा इंजन, 20%। अब वो कैसे डिसाइड करोगे 20% कितना हो गया, अभी ब्रेक दबा के रखो, अब धीरे धीरे क्लच को छोड़ना, जैसे इंजन वाइब्रेट करने लगे उतने पे ही क्लच को होल्ड कर देना, ना दबाना और ना छोड़ना, एडी आपकी नीचे रुकी रहेगी, पंजा ऊपर आएगा धीरे धीरे क्लच वाला, और इंजन के साउंड को सुनते रहो, इंजन क्या कह रहा है। अब ब्रेक छोड़ दो, छोड़ो ब्रेक, अब गाड़ी किधर जा रही है, आगे, वापस पूरा क्लच दबाओ और ब्रेक लगाओ फुल,
1% भी आपको एक्सेलेरेटर देने की जरूरत पड़ी, हैंडब्रेक लगाने की जरूरत पड़ी। तो ये था पहला पॉइंट, ये था पहला पॉइंट कि आप बिना एक्सेलेरेटर, बिना हैंडब्रेक के और बिना ब्रेक के कार को उठा ले। कोई भी गाड़ी हो, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, आप इससे ऊंची भी चढ़ाई होती ना तो भी उठ जाती। 90% लोग क्या करते हैं, वो क्लच नहीं रिलीज करते और ब्रेक पहले। अब आप अगर, आपको ये चीज मैं नहीं बताता तो आप अपना दिमाग कैसे लगाती, अभी क्या करती, पहले ब्रेक छोड़ती। अब पहले ब्रेक छोड़ो, स्टेरिंग दोनों हाथ से पकड़ो देवी जी, अब गाड़ी कहां गई, अब फिर ब्रेक लगाओ जल्दी से। अब आपके साथ ये होता कि अगर आप किसी ट्रैफिक वाले एरिया में होते तो आप पहले ब्रेक छोड़ती, फिर गाड़ी पीछे जाने लगती, फिर क्लच छोड़ती, तो दोनों का मैचिंग नहीं हो पाता, क्लच और ब्रेक का मैचिंग नहीं होता, जिसकी वजह से गाड़ी अनकंफर्टेबल होके बंद हो जाती है। जब हम ब्रेक छोड़ते हैं तो क्लच नहीं छोड़ते, जब क्लच छोड़ते हैं तो ब्रेक नहीं छोड़ते। यहाँ पे दोनों बैलेंस बराबर बनने चाहिए। फिर आपको वन मोर कराता हूं, अब ब्रेक दबाए रहना और क्लच को धीरे, बस यहां पे एक चीज का ध्यान देना कि क्लच ऐसा रिलीज हो, ना ज्यादा और ना कम, सटीक जजमेंट, धीरे धीरे क्लच छोड़ो। इंजन के साउंड को सुनना, जैसे गाड़ी आगे की तरफ वाइब्रेट करे, खींचने लगे, आप ब्रेक छोड़ो, आपने ज्यादा गड़बड़ कर दिया, आपने क्लच कंटिन्यू छोड़ती चली गई। जब मैंने बोला ब्रेक छोड़ो तो आपने क्लच और रिलीज कर दिया। अब जैसे हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, अब 5 पे रुक गए तो ना 4 करना है ना 6 करना है, आपने क्या करा, 4 5 6 7 8 तक चले गए, ब्रेक छोड़ा ना, क्लच कंटिन्यू छोड़ते चले गए, इंजन बुझ गया, वापस क्लच दबा के, ब्रेक दबा के, अरे रे आपने ब्रेक क्यों छोड़ा, क्योंकि इंजन ऑफ होने के बाद ब्रेक काम नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। अभी आप ब्रेक छोड़ के दोबारा दबाओगे तो ब्रेक नहीं काम करेगा, तो ऐसे में फट ये हैंड ब्रेक खींच देना है, क्योंकि इंजन ऑन होने पे ही पावर ब्रेक और पावर स्टीयरिंग वर्क करता है। अभी देखो स्टीयरिंग टाइट है, स्टार्ट करो गाड़ी, तो ब्रेक दबा रखा है तो ब्रेक तब तक नहीं छोड़ना जब तक गाड़ी आगे बढ़ने के लिए रेडी ना हो जाए। चलो अभी सेम चीज वही, बहुत प्यार से करना है, अब छोड़ो ब्रेक, हाँ बस क्लच उतने पे रखे रहो, क्लच को ना दबाना ना छोड़ना है, फिर पूरा क्लच दबा के ब्रेक लो। अब देखो स्टीयरिंग सीधी रखो, फिर टेढ़ी कर दी आपने स्टीयरिंग, एक पेपर पेन लेके नोट डाउन कर लो, नहीं याद तो हो जाएगा लेकिन ये बारीकियां जो है ना फिर दिक्कत करेंगी। अब देखो मान लो, सपोज करो इससे ज्यादा ऊंची चढ़ाई है, मान लो आप नैनीताल या कहीं ऐसी जगह हो जहां इससे भी ज्यादा चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई है, तो वहां पे तो बिना एक्सेलेटर गाड़ी नहीं चढ़ेगी, वहां तो एक्सेलेटर लेना पड़ेगा। आपकी कार में 4 लोग बैठे हैं, गाड़ी में लगेज भी है, काफी ज्यादा है, और उसके बाद अब खड़ी गाड़ी चढ़ाई है, तो वहां पे क्या करना होगा उसके लिए बताता हूं। ब्रेक को डाउन करो, गाड़ी पीछे जाने दो, क्लच दबाए रहो, ब्रेक को डाउन करो, पीछे जाने दो, ब्रेक तो छोड़ो, क्लच दबाए रहो, गाड़ी को पीछे जाने देना है। नजर कहाँ है आपकी और कहाँ रहनी चाहिए, हाँ अब ब्रेक लगा लो, ब्रेक, ब्रेक, आपका पैर फिर ऊपर खिसक गया, ब्रेक वाला, यही गड़बड़ होता है पैरों का, जैसे एक पेन पकड़ने का फिक्स पॉइंट होता है ये, हैं? कभी हम यहां से पकड़ते हैं तो उसी तरीके से क्लच ब्रेक यूज करने का फिक्स पॉइंट होना चाहिए, फिक्स एकदम, ना ये ना ये ना ये, समझ गए, थोड़ा सा और जाओ डाउन हिल में, गुड, अब स्टॉप कर लो। अब देखो मान लो थोड़ी ज्यादा चढ़ाई है, स्टीयरिंग क्यों देवी जी बार बार छोड़ देती हो, हाँ? अब मान लो ज्यादा है, मान लो गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं, तो आपको क्या करना है, ज्यादा ऊंची चढ़ाई है तो क्या करना है, आप पहले ब्रेक पूरा दबा के रखो, अब धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, जब मैं बताऊंगा, फिर जब मैं बोलूंगा तो हल्का एक्सीलेटर ले लेना, तो ऊंची से ऊंची चढ़ाई आपको सिर्फ होल्ड करना, गाड़ी को बिना ब्रेक के ना आगे जाने देना ना पीछे जाने देना है। अब धीरे धीरे क्लच को छोड़ो, बस अब ब्रेक से पैर हटाओ, हटाओ, अब एक्सीलेटर लो हल्का, क्लच छोड़ो थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बस 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 बस, जाओ जाओ छोड़ो क्लच, धीरे धीरे उठ गई, वापस क्लच दबा के ब्रेक लो, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्यों आई, क्योंकि आपका एक्सीलेटर वाला पैर 3 इंच से ज्यादा ऊपर चढ़ा हुआ था, आपका जो एक्सीलेटर का पैर था वो जरूरत से ज्यादा ऊपर खिसक गया था, इसलिए आपको सही इक्वल प्रेशर आप उस पर दे नहीं पाई। इसको होल्ड करना है, बिना ब्रेक की गाड़ी को यही खड़ी रखना है, कैसे करोगी, स्टीयरिंग बार बार पता नहीं क्यों छोड़ देती हैं आप। अब धीरे धीरे क्लच को छोड़ो, गाड़ी को चलाना नहीं है, रोके रहना है क्लच से, ना ब्रेक नहीं लगाना है, अभी जब ब्रेक मैं बोलूंगा तब छोड़ना भी नहीं, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, बस बस अब ब्रेक छोड़ो, अब गाड़ी कहीं जा रही है, हटाओ ब्रेक से पैर, अब इतने पे रोके रहना, ना क्लच दबाना ना छोड़ना, ना क्लच दबाना ना छोड़ना, ठीक है, नहीं नहीं बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, ठीक है दोस्तों। अब इन्होंने क्या किया है ना, देखो इतनी ज्यादा डाउन हिल है,
अब इन्होंने ब्रेक से पैर मैंने हटवा दिया, यहाँ से देखो ब्रेक से पैर हटा लो, ब्रेक से हटा लो, नीचे रखो। अब इन्होंने क्या करा है, कितना परसेंट आपका क्लच रिलीज हो गया है, कितना परसेंटेज आपने क्लच को रिलीज किया है, 20%। अभी भी देखो आपका जो पैर है क्लच वाला वो अभी कुछ करना नहीं, 3 इंच से ज्यादा पैर आपका ऊपर खिसका हुआ है। क्लच दबा लो पूरा वापस, फुल दबा लो, अब ब्रेक लगाओ जरा देवी जी। अब आपका जो क्लच वाला पैर है इतना पैर आपका ऊपर खिसका हुआ है, पूरा क्लच दबाओ, पहले गियर न्यूट्रल करो, अब पैर को सेट करो, हैंड ब्रेक खींच दो, देख रहे हो कितना ज्यादा ऊपर खिसका हुआ था। ये पॉइंट होना चाहिए, ये जो पैंडल है ना, क्यों आपसे गाड़ी बंद हुई 2-3 बार, ये जो आपका पैंडल इसके ऊपर 1 इंच नहीं जाना चाहिए, ये भी 1 इंच नहीं जाना चाहिए। अभी आपका पैर इतना ज्यादा आप तलवे से इसको दबा रही थी, तलवे से दबाओगे तो इसका टच फील आएगा, नहीं आएगा, किसी कंडीशन में नहीं आएगा। गाड़ी बार बार बंद होने का रीजन ही यही होता है लोगों के साथ, जो गाड़ी बार बार बंद होती है, पूरा क्लच दबाओ, वापस रिलीज करो, फिर दबाओ, फिर रिलीज करो, ब्रेक दबाओ जरा, पूरा ब्रेक दबाओ, फिर रिलीज करो। अब देखो पैर ऊपर खिसका, ब्रेक वाले की बात कर रहा हूँ, 4-5 बार ब्रेक दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, देखो धीरे धीरे पैर ऊपर खिसक रहा है। यही सीखना है हमें सारा गेम, जब हम यहाँ चुटकियों से पकड़ते हो पेन आ गया हमारे यहाँ तो क्या करोगे, ठीक है। अब ये सैंडल अपनी निकाल दो, हैंड ब्रेक लगा दिया, सैंडल निकाल दो, दोनों जूते निकालो, पीछे खिसका दो, पैरों के बीच में नहीं आने चाहिए, हाँ ठीक है। अब जरा क्लच दबाओ, दबाओ क्लच, सीट थोड़ी पीछे आपकी ज्यादा है, थोड़ी आगे करो सीट, एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ो, थोड़ी सी सीट आगे खींचो, पीछे नहीं मैडम, वैसे खींच जाती, आप पूरा रॉड उठा के बॉडी एक हाथ से ताकत लगा के अपने आप को तो खींचो, सीट तो वही है आपकी, हुई नहीं, हो गई, चलो अब क्लच दबाओ जरा, क्लच दबाओ, नहीं हो, हो पूरा दबाए, फुल क्लच, फुल दबाओ, फुल, ये है एड़ी उठ रही है, नई सीट आगे है, ये चीज भी थोड़ी आगे करो, ये चीज भी, हेडरेस्ट भी थोड़ा आगे करो, हाँ, अरे देवी जी ये रहा, ये हाँ बस अब ठीक है, सीट थोड़ी सी और आगे कर लो, सारा खेल ही सीट का है, हाँ अब दबा के देखो, अब ज्यादा बेटर है, पहले ज्यादा बेटर था, फिर 80% तो लोग ड्राइविंग करते न्यू बिगिनर, उनको अपनी सीट ही एडजस्ट करनी नहीं आती है, ये आपकी हाइट के अकॉर्डिंग अब सेट है। अब आप 10 बार क्लच दबाओ, 10 बार छोड़ो, अगर आपका पैर ऊपर खिसक जाए तो बताना, 1% भी आपका पैर ऊपर नहीं जाएगा, देख रहे हो, ये अब आपको क्या करना, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, ठीक है। अब आपको गाड़ी को पूरा क्लच दबा लो, अब धीरे धीरे ब्रेक, पहले ब्रेक दबा लो, अब हैंड ब्रेक अनलॉक कर दो, हो गया अनलॉक, डालो फर्स्ट गियर, हो गया। अब आपको धीरे धीरे गाड़ी बढ़ानी है, चलो धीरे धीरे, क्यों बंद हो गई, क्योंकि आपने पूरा ब्रेक दबा रखा था, क्लच कंटिन्यू छोड़ती चली गई और ब्रेक को रिलीज नहीं किया। ये सब चीजें याद, अब ब्रेक दबाओ, फिर देखो गाड़ी पीछे जा रही थी, फिर आप कंफ्यूज हो रही थी, स्टार्ट करो, जाओ फिर धीरे धीरे, छोड़ो ब्रेक, वापस पूरा क्लच दबाओ, ब्रेक। अब देखो आपका जो अब पैर है, उंगलियां फ्रैक्चर हो जाएंगी, क्योंकि अभी देखो आपने बहुत ज्यादा पैर नीचे कर लिया, ये पूरा टो से ढकना होता है, देखो कितना पैर आपने नीचे कर रखा है, ये पैंडल पूरा आपको अपने टो से ढकना होता है, ये पॉइंट जो भी आपने रख रखा है, ये इस वजह से अभी आपसे सही से क्लच नहीं दब रहा है, ठीक है। अब वापस इसको न्यूट्रल करो गाड़ी को, अब पैर सही से ले जाओ क्लच पे, ब्रेक दबाए रहो, ब्रेक मत छोड़ो, क्लच छोड़ो खाली, अब और ऊपर ले जाओ पैर थोड़ा, ये पॉइंट होना चाहिए, ना 1% नीचे ना 1% कम, ठीक है। इस वजह से जैसे आपने पहले, अब पूरा क्लच दबाओ, फुल 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 दबाए, छोड़ो,
फुल दबाओ, पूरी ताकत लगा के, ये फुल होता है, समझ गए? चलो अब जाओ, आपको करना है ये। अब मैं तो बैठा नहीं हूँ गाड़ी में, अब पहले पूरा क्लच दबा रखा है, फर्स्ट गियर डालो, अब गाड़ी को पीछे जाने दो थोड़ा सा, ब्रेक को फ्री करो, शीशे देखो लेफ्ट और राइट वाले, हाँ धीरे 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 धीरे, खाई है 20-30 फीट, और जाओ थोड़ा पीछे, और जाने दो, बस गुड। अब वापस फर्स्ट गियर में हाफ क्लच पे लेके आओ इसको, वही सेम चीज जो मैंने बताया था हाफ क्लच पे। अब यहां पे आपने अभी क्या करा, क्लच जरूरत से ज्यादा छोड़ती चली गई, ब्रेक को आपने रिलीज नहीं किया, जिसकी वजह से इंजन बुझ गया। बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा मैडम इसे, बहुत ही ज्यादा बारीकी से करना पड़ेगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे इंजन वाइब्रेट करे ब्रेक को रिलीज कर दो, फिर वापस स्टॉप करो पूरा क्लच देन ब्रेक, रोक रोक के गाड़ी को चलाना है, रोक रोक के। रोक रोक के चलाना है, रोक रोक के। स्टॉप, फिर गाड़ी पीछे आने दो पूरा क्लच दबा के, ब्रेक को फ्री करो, पीछे आने दो, धीरे 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 हल्का ब्रेक लगा लो, धीरे धीरे उतारो नीचे, धीरे धीरे आने दो, और आ जाओ, और आ जाओ, और आ जाओ, बस स्टॉप। अब फिर कम से कम 5 बार आपको स्टॉप करना है, ऐसे ही रोकना चढ़ाना, रोकना चढ़ाना, ठीक है, 5 बार। इंजन बंद नहीं होना चाहिए मैडम, क्लच और ब्रेक का अगर मैचिंग नहीं करेंगे, ट्यूनिंग नहीं सेट होगी, तो इंजन बार बार बंद होगा आपका। बहुत प्यार से, बहुत कूल माइंड से। और भाई कैसे हैं? गाड़ी पीछे नहीं आनी चाहिए, पहले ब्रेक नहीं छोड़ना है, दोस्तों अक्सर ये दिक्कत आती है न्यू बिगनर्स के साथ, और ख़ास तौर से गर्ल्स के साथ तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, बेसमेंट की पार्किंग में निकालना, मॉल की पार्किंग, फ्लाईओवर के ऊपर, तो वहाँ पे क्या होता है, चाहे जितनी ऊंची चढ़ाई हो, हम बिना एक्सेलेटर के, बिना हैंड ब्रेक के चढ़ा सकते हैं। अभी आप अगर देख रहे हैं ना, तो देखिए कितनी ऊंची चढ़ाई है, और बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पा रही है, लेकिन क्या है ना, इनका जो पैरों का मूवमेंट है वो सेट नहीं हो पा रहा है, जब ब्रेक छोड़ रही तो क्लच नहीं छोड़ रही, जब क्लच छोड़ रही तो ब्रेक नहीं छोड़ रही, तो इनकी ट्यूनिंग नहीं बन पा रही, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। गुड, वापस आ जाओ, धीरे धीरे आना, धीरे धीरे वापस, रोक रोक के, रोक रोक के, गुड गुड, आ जाओ वापस, और आ जाओ, बहुत प्यार से करो। गाड़ी जो बंद हो रही है ना, बस रोक लो, जो आपसे गाड़ी बंद हो रही है तो उसका कोई फायदा नहीं ना, बार बार बंद करो इतने में, यहाँ तो खाली तब ये हाल, और जहाँ पे ट्रैफिक होगा, जब चारों तरफ से हॉर्न टे पे पे लोग लगे होंगे तब क्या होगा, और स्टीयरिंग आप थोड़ा सा गलत पकड़ लेती हैं। बहुत कूल माइंड से करो, यहाँ आपको गलतियाँ 10 करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भीड़ में अगर यही प्रॉब्लम होगी तो इंजन बंद नहीं होना चाहिए, ब्रेक लगने से पहले आपका क्लच दब जाना चाहिए, और आप क्लच ज्यादा छोड़ देती हो, ब्रेक कम छोड़ती हो, जिसकी वजह से इंजन बुझ जाता है। प्यार से एकदम पूरा क्लच देन ब्रेक स्टॉप, बहुत प्यार से, जब क्लच थोड़ा एक्स्ट्रा छूटेगा, ब्रेक छोड़ोगे, गाड़ी 1 इंच भी पीछे नहीं जाएगी, बस इंजन के साउंड को थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो यहां पे आपने क्या करा, क्लच रिलीज नहीं हुआ, ब्रेक पहले छोड़ दिया, यही चीज, तो पैर फिर ऊपर खिसक गया होगा, तो दिक्कत फिर आएगी। गुड, अब यहीं पे रोक लो, एक नया तरीका बताता हूं, ठीक है, ये तो चलो क्लियर हो गया, अब आप हैंड ब्रेक खींच दो,
गाड़ी का हैंड ब्रेक खींच दिया, अब राइट वाला पैर आपका फ्री हो गया, क्लच दबाए रहो पैर को छोड़ दो, फ्री हो गया, ये हैंड ब्रेक खींचा ही नहीं आपने पूरा। हाँ अब खींचा है, ठीक, अब राइट वाला पैर फ्री हो गया, ले जाओ एक्सीलेटर पे ले। अब क्या करना है, आपका वो वाला हाथ हैंड ब्रेक पे रखो, हैंड ब्रेक पे रखो, हैंड ब्रेक को खींच के बटन को दबा लो, लेकिन नीचे डाउन मत होने देना, डाउन मत होने देना। अब धीरे धीरे क्लच को छोड़ो, धीरे धीरे क्लच को छोड़ो, आधा क्लच जैसे छूटेगा गाड़ी आगे बढ़ने लगी, हल्का एक्सीलेटर ले लेना, हैंड ब्रेक डाउन कर देना, जैसे मतलब गाड़ी गियर में एक्टिव होने के बाद आप ब्रेक को रिलीज करती थी वैसे। क्लच छोड़ो, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, एक्सीलेटर पे रखो ना पैर, अब जाओ धीरे धीरे, हैंड ब्रेक आपने डाउन ही नहीं करा। तीनों को फिर भूलेंगी तो बात कैसे बन पाएगी मैडम, बहुत सारी चीजें इसमें सीखना है, इसलिए मैं आधे घंटे बोलते रहता हूँ, समझाते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। अब ये गाड़ी पीछे जाने का मतलब क्या है, अगर आपके पीछे भी कोई कार होती तो कांड हो गया था इतनी देर में, फिर ना आप हैंड ब्रेक लगा रही ना नीचे वाला ब्रेक दबा रही, गाड़ी आपकी धीरे धीरे 1 मीटर नीचे उतर आई। चलो अब अपना दिमाग लगा के करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप अकेले गाड़ी को चढ़ाना उतारना है, अब जैसे मन करे करो। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।